विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. दिस इज योर होस्ट लेक्चरर एम के बूटा. टॉपिक लिस्पेंडेंस. सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. लिस का मतलब है कॉज, वजह. पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग. जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा हो और पेंडिंग हो, उस प्रॉपर्टी पर ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना वो मुगेज की जाएगी, ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. वेरी सिंपल. जिस प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में है, उस प्रॉपर्टी पर कोई नया इशू खड़ा नहीं किया जाएगा. ये है लिस्पेंडेंस. इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं? नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन इट्स केस इज इन कोर्ट पेंडिंग. किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब उसका केस कोर्ट में पेंडिंग हो, या ड्यूरिंग लिटिगेशन, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सुनवाई हो रही हो कोर्ट के अंदर. नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. तो उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई नया इशू इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा. या टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, बचने के लिए कि एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर 2, 3, 5, 7 सूट ना आ जाएं. कोर्ट एक मामले को सॉल्व कर रही है, सॉल्व करने दें. उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई नए इशू ना लाएं, कोई नए केस ना लाएं. इसलिए कोर्ट कहती है लिस्पेंडेंस. जिस प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग होगा, उस पर मजीद कोई केस नहीं किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग कोई नया सूट नहीं लाया जाएगा. इनकम्बरिंग एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट को रोक देना. इनकम्बरेंस इस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इन कोर्ट, जबकि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो. वेरी सिंपल, दैट इज नॉट डिफिकल्ट वन. सेक्शन 52 था. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट परफॉर्मेंस. 2011 से 2015 तक ये क्वेश्चन बार बार आया है. सेक्शन 53 है. दो बातें याद रखें. मिस्टर सादिक ने मिस्टर राम से कॉन्ट्रैक्ट किया है. मिस्टर सादिक ने राम को एक घर बेचा है 20 लाख का. 10 लाख रुपया एडवांस ले लिया और कहा 10 लाख मिस्टर राम बाद में देना. इस बात को अब रजिस्टर्ड नहीं कराया गया. एक मामला है रजिस्ट्रेशन ना होने का. दूसरी बात, कई महीने बाद जब मिस्टर राम कहता है कि पैसे बाकी लो और चीज़ मेरी मुकम्मल मेरे हैंडओवर करो, तो सादिक कहता है मैं तो चीज़ नहीं देता, मुझे पैसे वापस दे दो जो मैंने. मिस्टर सादिक कहते हैं मुझसे पैसे वापस ले लो, मैंने मकान नहीं बेचना. यानी कि मिस्टर राम अपने आप पार्ट परफॉर्म करता है, जबकि मिस्टर सादिक अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म नहीं करता. एक बात, सेलर पार्ट परफॉर्म नहीं करता. दूसरी बात, ये रजिस्टर्ड नहीं है मामला. तो इस पर स्टेट कोर्ट बायर को, ट्रांसफरी को फेवर देता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो केस. और दूसरी बात कि मिस्टर सादिक अपना पार्ट परफॉर्म करे. आइए जरा देखते हैं. सेक्शन 53 ए, एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ रजिस्ट्रेशन. पहली बात, जनरल रूल ऑफ रजिस्ट्रेशन पर एक्सेप्शन दी जाती है, कोई बात नहीं. क्यों? जनरल रूल क्या है रजिस्ट्रेशन का? वैल्यू ऑफ ₹100 और अपवर्ड हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. जब आप सेल परचेज करें
और 100 रुपये से ज़्यादा की सेल परचेज हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसको रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफ़र लेने वाला यानी कि परचेजर अगर वो इग्नोरेंट है, देहाती है और उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इस लॉ के ज़रिए, टू प्रोटेक्ट इग्नोरेंट ट्रांसफरी इन अब्सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी इन द एविडेंस। एविडेंस की फॉर्मेलिटी की गैर मौजूदगी में इग्नोरेंट ट्रांसफरी को कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। एक बात ये हो गई। एसेंशियल्स क्या हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, चोरी चकारी वाला कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई उसके अंदर बेईमानी ना हो। कंसिडरेशन, जो चीज़ खरीदी जा रही है उसके पैसे दिए गए हों। राइटिंग एंड सिग्नेचर, किसी कच्चे पक्के पेपर पर कुछ ना कुछ राइटिंग और सिग्नेचर होने चाहिए। ट्रांसफरी होल्ड्स पोजीशन और मलकियत ट्रांसफरी के पास हो, मकान में बैठा कौन हो, ट्रांसफरी जो परचेजर है। विलिंगनेस ऑफ ट्रांसफरी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जब कोर्ट में केस लाए उस वक्त ट्रांसफरी परचेजर ये कहे कोर्ट को, जनाब मैं तो बाकी के पैसे देता हूँ, मैं तो बाकी के पैसे देता हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना पार्ट परफॉर्म करता हूँ। इससे कहो मिस्टर सादिक से ये अपना पार्ट परफॉर्म करे। इसकी एक इलस्ट्रेशन है, यानी कि इसकी एक एग्जाम्पल है, आइए इस एग्जाम्पल को इंजॉय करते हैं। मिस्टर सादिक कॉन्ट्रैक्ट्स विद राम, मिस्टर सादिक ने राम से कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल हिज हाउस, कि वो अपना घर सेल कर रहा है फॉर 20 लाख, 20 लाख में। मिस्टर सादिक एक्सेप्ट्स 10 लाख एडवांस, मिस्टर सादिक ने 10 लाख एडवांस ले लिए, किस से, फ्रॉम राम, राम से। एंड होल्ड्स ओवर द पोजीशन, और उसने हैंड्स ओवर द पोजीशन, और फिर मिस्टर सादिक ने पोजीशन भी घर की दे दी, किसे, राम को, ऑफ द सेड हाउस टू राम, उसी हाउस की जो वो बेच रहा था, किसको पोजीशन दे दी, राम को। आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसा बाद, राम इज रेडी टू पे द रिमेनिंग सेल अमाउंट, राम तो तैयार है, वो कहता है जी बाकी के 10 लाख दो और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। बट मिस्टर सादिक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम, लेकिन मिस्टर सादिक रिफ्यूज करते हैं कि मैंने बाकी पैसे नहीं लेने। फर्दर मिस्टर सादिक आस्क्स राम टू हैंड ओवर द हाउस बैक टू मी, और मिस्टर सादिक कहता है कि घर मुझे वापस कर दो, मैंने नहीं बेचना। हेयर राम इज रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट, राम तो रेडी है बाकी के 10 लाख देने के लिए, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। बट मिस्टर सादिक इज नॉट, लेकिन मिस्टर सादिक अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं। मिस्टर सादिक का क्या पार्ट बनता है, उसका पार्ट परफॉर्मेंस ये बनता है कि वो मकान उसके हैंडओवर करे, बाकी पैसे अपने ले ले। इन सच अ केस राम कैन ब्रिंग अ केस रिक्वायरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम मिस्टर सादिक, राम केस लाएगा कोर्ट के अंदर कि इस मिस्टर सादिक से कहो कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, अपना काम कंप्लीट करे। इट डज नॉट मैटर दैट द सेल वॉज नॉट रजिस्टर्ड, इससे कोई ताल्लुक नहीं कि सेल रजिस्टर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिडेम्पशन ऑफ मुगेज प्रॉपर्टी। रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस लेना, वापस मलकियत लेना। सेक्शन 60, मुगेजर किसे कहते हैं, मकान का मालिक जो लोन किसी से ले और अपने मकान को सिक्योरिटी के तौर पर लोन देने वाले के पास रखवा दे, ये मकान का मालिक मुगेजर होता है। जब लोन वापस करेगा तो अपनी चीज़ भी वापस मांगेगा ना, जो सिक्योरिटी रखी हुई है अपना मकान। अब ये मुगेजर जो अपना मकान वापस लेगा, इसी को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ मुगेज प्रॉपर्टी, कि ये मुगेजर का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पेमेंट करने के बाद वापस ले। मुगेजर इज इंटाइटल्ड टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट, मुगेजर को ये हक हासिल है, वो इंटाइटल्ड है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑन पेमेंट, पेमेंट देने के बाद,
पेमेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट में कोई और एक्स्ट्रा पैसे उसने पे करने हैं मेंटेनेंस के, सारे पैसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वापस देने के बाद मुगेजर इंटाइटल्ड है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले, रिपोजिशन करे, मलकियत वापस ले ले अपनी, रिटर्न ऑफ मुगेज डीड, और कहे वो जो मुगेज डीड हुआ था तुम्हारे मेरे दरमियान एग्रीमेंट हुआ था वापस दो मुझे, एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, तमाम बिल्स वापस दो, तमाम रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वापस दो उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे पास मुगेज रखवाई थी, सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई थी। ऑन मुगेजर्स डायरेक्शन ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, अगर मुगेजर कहे भाई ये प्रॉपर्टी जाकर अला बख्श कहाँ चुंजी वाले को दे दो, तो उस शख्स को ये प्रॉपर्टी अला बख्श कहाँ चुंजी वाले को जाकर देनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को, क्योंकि मुगेजर डायरेक्ट कर रहा है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ मुगेजी। बैंक की या लोन देने वाला कोई अगर शख्स है उसकी ड्यूटी है कि जैसे मुगेजर कहे वो वैसे करे, प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे मुगेजर के कहने पर। लेकिन मुगेजर के पास, मुगेजर से वो एविडेंस लेगा, वो रिटर्न फॉर्म लेगा कि हाँ वाकई मैं उसको दे दूं। दिस राइट ऑफ मुगेजर इज कॉल्ड द राइट ऑफ रिडेम्पशन, ये मुगेजर का जो राइट है इसको राइट ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं कि मलकियत वापस लेने का राइट। लीगल राइट बिसाइड्स कॉन्ट्रेक्चुअल, ये पोजेशन वापस लेने का राइट, अपनी चीज वापस लेने का राइट ना सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल मीन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, बल्कि ये कोर्ट आपको राइट देता है, ये स्टेट आपको राइट देता है, ये लीगल राइट है मुगेजर का कि वो अपनी चीज वापस ले। कॉन्ट्रैक्ट महज नहीं, ये उसका लीगल राइट भी है, स्टेट उसे कहती है ये चीज अब तुम्हारी है। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सटिंग्विश द राइट्स ऑफ मुगेजी इटसेल्फ अदरवाइज डिक्री। ये कॉन्ट्रैक्ट की जब फुलफिलमेंट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तमाम लवाजमात, तमाम पैसे वापस दे दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुगेजी के उस प्रॉपर्टी पर राइट एक्सटिंग्विश, खत्म हो जाते हैं, भुसम हो जाते हैं। अगर फिर भी मुगेजी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, नहीं देता, तो डिक्री, डिक्री ऑफ कोर्ट, फिर कोर्ट से जाकर लेंगे। लेकिन ये बात तय है जब कॉन्ट्रैक्ट की मुताबिक पेमेंट कर दी गई है तो मुगेजी की उस सिक्योरिटी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट बाकी नहीं रहता। द राइट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी। अगर मुगेजर ने मुगेजी से कोई और मुनफरद किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर कोई मुनफरद किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मुगेजी उस कॉन्ट्रैक्ट का बहाना करके इस मुगेज प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता। यानी कि कोई भी कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट कोई और अगर किया हुआ भी है मुगेजी ने मुगेजर के साथ, फिर भी मुगेजी इस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि ये वापस जानी जानी है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट का उजर नहीं कर सकता मुगेजी। तो इस बात को, ये जो मैंने बताया है सेक्शन 60 के अंदर कि मुगेजर किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, किस तरह से ले सकता है, थर्ड पार्टी को दे सकता है, खुद वापस ले सकता है, डॉक्यूमेंट वापस ले सकता है, ये उसका लीगल राइट है, और कोई दूसरा कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट उसको रोक नहीं सकेगा, गवर्नमेंट, स्टेट, कोर्ट उसके साथ है, और मुगेजी का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं जो कि मुगेज रखी गई थी। इस बात को आप मजीद बढ़ा सकते हैं इन तमाम हेडिंग्स की, आप इन तमाम को हेडिंग्स बनाकर नीचे आप फिर डिटेल कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन एग्जांपल दे सकते हैं। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इन टॉपिक्स को इन लार्ज आपने खुद करना है। मेरा मकसद है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना और फिर थोड़े टाइम के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वहाँ पर लिखना। नेक्स्ट टॉपिक इज सबरोगेशन। सबरोगेशन
सब रोगेशन। सबरोगेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, तब्दील होना, लेकिन ये तब्दीली किसी शख्स की है। बाय पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, डेटर कौन होता है? कर्ज लेने वाला होता है डेटर, जिसके ऊपर कर्जा हो। कर्ज लेने वाले की बिहाफ पर एक और आदमी आकर कर्ज देता है। इंजॉइंग द राइट्स ऑफ क्रेडिटर, और कर्ज देने वाले के राइट्स को इंजॉय करता है। दो बातें हैं, तीन बातें। एक तो एक शख्स की तब्दीली हुई, दूसरा जिसने कर्ज लिया हुआ था उसकी जगह पर कोई और आकर कर्ज दे रहा है, तीसरी बात जब उस शख्स ने कर्ज दिया है तो फिर मकरूज को सामने रखकर जिसने पैसे दिए हैं मकरूज के, वो तमाम राइट्स एंजॉय करेगा क्रेडिटर के। क्रेडिटर बैंक हो सकता है या कर्ज देने वाला कोई शख्स हो सकता है। इस बात की इलस्ट्रेशन देखें तो आपको समझ आएगी। मिस्टर सादिक हैज परचेज्ड अ हाउस बाय रिसीविंग लोन फ्रॉम बैंक बुधा। बैंक बुधा है, बुधा बैंक। मिस्टर सादिक ने एक घर खरीदा है। कैसे खरीदा है? बाय रिसीविंग लोन, लोन लेकर। किससे? फ्रॉम द बैंक बुधा। बैंक बुधा से मिस्टर सादिक ने लोन लिया और एक घर परचेज कर लिया। मिस्टर सादिक कौन है? ये है डेटर, DEBTOR, डेटर कहते हैं, डेबेटर नहीं कहते, डेटर। मिस्टर सादिक हो गया डेटर, कर्ज लेने वाला। बैंक बुधा क्या है? ये क्रेडिटर है, ये अब कर्ज वसूल करने वाला है वापस। एंड कुड नॉट पे द लोन अमाउंट, और मिस्टर सादिक ये पैसे अदा नहीं कर सका, आर द डेट या कर्ज अदा नहीं कर सका। हेयर मिस्टर सादिक इज मुगेजर, यहां मिस्टर सादिक जो है वो मुगेजर है। एंड बैंक बुधा इज मुगेजी, और बैंक बुधा मुगेजी है। मिसेस सादिक मुगेजर हो गया, उसने कर्ज लिया और कोई चीज अपनी सिक्योरिटी के तौर पर भी रखवाई है, कोई और प्रॉपर्टी, और बैंक बुधा मुगेजी है। अब मिसेस सादिक के पास पैसे नहीं है। इफ खालिद, मिस्टर सादिक सन, अगर खालिद जो कि मिस्टर सादिक का बेटा है, पेज ऑफ द एंटायर लोन टू बैंक बुधा, मिस्टर खालिद आता है और वो अपने जेब से पैसे देता है बैंक बुधा को, ये लो भाई पैसे और तुम जाओ, तुम्हारा मामला खत्म हुआ। अब आप बताएं, अगर मिस्टर सादिक को पैसे वापस करने हैं तो किसे वापस करेगा? जहरी बात है, मिस्टर सादिक का पैसे वापस करेगा तो खालिद को करेगा, अपने बेटे को करेगा। तो खालिद इज सेब्रोगेटेड टू द पोजीशन ऑफ मुगेजी, बैंक बुधा। तो मिस्टर खालिद ने जगह ले ली है किसकी? मुगेजी की। मुगेजी कौन था? बैंक बुधा था। तो खालिद सेब्रोगेट हो गया बैंक बुधा से, एक्सचेंज हो गया बैंक बुधा से। मिस्टर सादिक ने पहले बैंक बुधा को पैसे देने थे, अब मिस्टर सादिक ने पैसे देने हैं सेब्रोगेटेड पर्सन को, खालिद को। एंड खालिद इज इंटाइटल्ड टू रियलाइज द मुगेज मनी, अब खालिद इंटाइटल्ड है, हक रखता है कि वो मुगेज मनी रियलाइज करे, ले फ्रॉम मिस्टर सादिक, एज लाइक दैट ऑफ बैंक बुधा, जैसे कि मिस्टर सादिक ने बैंक बुधा को पैसे देने थे, इसी तरह अब मिस्टर सादिक पैसे अगर देगा किसे तो देगा मिस्टर खालिद को।
आई होप कि आप समझ गए हैं, इस केस के अंदर मिस्टर खालिद सेब्रोगेटेड हुआ है बैंक के साथ। बैंक ने पैसे लेने थे, बैंक को मिस्टर खालिद ने पैसे दे दिए और मिस्टर खालिद ने कहा मिस्टर सादिक से कि आप मुझे पैसे दें। मिस्टर सादिक पैसे नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, वो वहीं राइट्स इंजॉय करेगा जो बैंक बुधा के पास थे। इसे कहते हैं सेब्रोगेटेड होना। द वर्ड सेब्रोगेशन डिनोट्स द एक्सचेंज ऑफ अ थर्ड पर्सन। सेब्रोगेशन का लफ्ज ये वाजे करता है कि किसी तीसरे आदमी के साथ तब्दील कर देना। तीसरा आदमी कौन? हु हैज पेड अ डेट, जिसने किसी का कर्जा दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर, कर्ज देने वाले की जगह पर आकर। सेब्रोगेशन लफ्ज से ये मुराद है कोई तीसरा आदमी जो कि कर्ज देने वाले की जगह पर आए और कर्ज लेने वाले को पैसे दे दे, सो दैट ही मे एक्सरसाइज अगेंस्ट डेटर, ताकि वो तमाम कानूनी कार्रवाई कर सके। वो कौन? थर्ड पर्सन। किसके खिलाफ? डेटर, कर्ज देने वाले के खिलाफ। कर्ज देने वाला कौन था? जिसे कर्ज वापस करना था वो कौन था? मिस्टर सादिक। ऑल द राइट्स, और वो थर्ड पर्सन तमाम राइट्स इंजॉय करेगा विद द क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर के पास थे, बैंक के पास थे। इफ अनपेड, अगर उसे पैसे अदा ना किए जाते, माइट हैव डन, वो कोई एक्शन लेता। सेब्रोगेशन लफ्ज का मतलब है किसी तीसरे आदमी से बदल देना। तीसरा आदमी किससे बदलेगा? बैंक से बदलेगा, जिसने कर्ज वापस लेना है। कैसे बदलेगा? जब वो थर्ड पर्सन कर्ज लेने वाले मिस्टर सादिक की जगह पैसे अदा करेगा। पैसे अदा हो गए, बैंक दरमियान में से निकल गया, अब पैसे लेने वाला कौन है, वापस लेने वाला कौन है? जिसे वापस लेने, वो है मिस्टर खालिद। देने वाला कौन है जिसने वापस देने हैं? वो है मिस्टर सादिक। तो अगर मिस्टर सादिक पैसे नहीं देता तो तमाम तर राइट्स इंजॉय करेगा बैंक के कौन? मिस्टर खालिद। वो कोर्ट में जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को फोर क्लियर कर सकता है, कब्जा कर सकता है, वो उसे इंटरेस्ट ले सकता है, वो तमाम तर राइट्स उसके पास आ जाएंगे। काइंड्स, इसकी दो काइंड्स हैं। पहली काइंड सेब्रोगेशन की, लीगल सेब्रोगेशन। लीगल सेब्रोगेशन क्या है? व्हेन द मोगेज डेट इज पेड बाय अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। जब मोगेज डेट अदा किया जाए ऐसे शख्स के जरिए, वो शख्स जो के उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मोगेज हुई पड़ी है, जो प्रॉपर्टी मोगेज हुई पड़ी है, अगर एक शख्स उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसका कोई फायदा है उसमें, अगर वो पैसे दे देगा तो इसे कहेंगे लीगल सेब्रोगेशन। ऐसा कौन हो सकता है जिसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो सकता है? सोचें, वो वाइफ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या बेटा हो सकता है। दूसरे, कन्वेंशनल सेब्रोगेशन, रिवायती सेब्रोगेशन। व्हेन द मनी इज पेड बाय अ पर्सन, एक आदमी पैसे अदा करे मिस्टर सादिक की जगह पर, हु हैज नो इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, बट ही मेड एनी एग्रीमेंट, लेकिन वो कोई और एग्रीमेंट बना ले, कोई बिजनेस पार्टनर है, वो बिजनेस पार्टनर उसकी प्रॉपर्टी को तो बचा लेता है लेकिन कोई और एग्रीमेंट कर लेता है जिससे उसको शायद कोई और फायदा हो। दिस वाज सेब्रोगेशन। सेब्रोगेशन में आपने याद कैसे रखना है? मिस्टर सादिक, बैंक बुधा और मिस्टर सादिक का बेटा खालिद, ये तीन फिगर याद रखने हैं तो सेब्रोगेशन क्लियर हो जाएगा कि बैंक बुधा से पैसे लोन लिए मिस्टर सादिक ने, मिस्टर सादिक दे नहीं रहा,
उसके बेटे ने आकर उसकी जगह पैसे दे दिए। अब मामला मिस्टर सादिक और उसके बेटे के दरमियान आ जाएगा, तो उसका बेटा जो चाहे वो करे, वो सारे बैंक के या उधार देने वाले के राइट्स को इंजॉय करेगा। वेरी सिंपल। फॉर ऑनलाइन स्टडीज, फॉर नोट्स, यू कैन कॉल मी 0333-465-305, or you come on my Skype. Skype ID is lecturer M.K. Bhutta, BHUTTA. So nice of you. For meeting and for class studies, you can visit in Avantown Bhutta Academy. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for